क्या रमन भल्ला पुलिस को लेकर पहुंच गया? कहा था ना मैंने तुझसे कि बददिमाग नहीं है वो, अब तू कुछ नहीं करेगा मनीष। बाकी मैं तुझे बाद में बताता हूँ कि करना क्या है, ठीक है? इस रमन भल्ला को छोड़ूंगा नहीं मैं, अब हमें कुछ करना पड़ेगा शमशाद। पर क्या भाई? ठीक है, आप लोग यहीं रुकिए, हम आते हैं। इंस्पेक्टर साहब आप आइए। मिस्टर शाह, पुलिस स्टेशन चलना होगा आपको हमारे साथ, पूछताछ करनी है। मुझे? जी। क्यों इंस्पेक्टर? एक मैटर है, इन्वेस्टिगेशन करनी है उसी के बारे में। शमशाद ड्रिंक बना इंस्पेक्टर के लिए, इंस्पेक्टर ड्रिंक पीते हैं आराम से बैठकर बात करते हैं। है, नो 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 थैंक्स। मिस्टर शाह आप एक आदमी पे इल्जाम है कि उसने मिस्टर भल्ला की बेटियों को किडनैप किया है। क्या? किसकी बेटियां? तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटियों को हाथ लगाने की? मिस्टर भल्ला आप प्लीज संभालिए अपने आप को। मुझे नहीं पता इंस्पेक्टर ये आदमी क्या कह रहा है। मैं किसी की बेटी को किडनैप क्यों करूंगा? एक बिजनेसमैन हूं मैं, कोई किडनैपर या दलाल नहीं। झूठ बोल रहा है ये। मैंने तुझे उस दिन भी समझाया था कि तेरी बहन के खून के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। पता नहीं हाथों के पीछे पड़ा हमारे, उसी बात का बदला ले रहा है। मेरी बेटी को इसी ने किडनैप किया, मैं सच कह रहा हूं। पूछे इसे। एक मिनट, क्या कहा आपने? मेरी बहन का मर्डर? कौन सी बहन का मर्डर? कितनी बहनें तेरी? हाँ, मुस्कान शाह जो हमें परेशान कर रही थी वो बहन तेरी? मैं मानता हूं कि मुस्कान ने आपको बहुत परेशान किया है, मगर वो जिंदा है, मरी नहीं। क्या? इंस्पेक्टर इस वक्त मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में है, एक रिहाब सेंटर में। मैंने उसके इलाज के लिए उसे वहां भेजा है। जब आपने उसे अरेस्ट किया तो बहुत अग्रेसिव हो गई, दिमाग तो उसका पहले से ही गर्म है और गर्म हो गया, इसलिए मैंने उसे इलाज के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा है। झूठ बोल रहा है ये। शमशाद फाइल ला। हाय, ये मुस्कान की रिहाब सेंटर की फाइल है, उसके एडमिट का फॉर्म है, उसके बिल की सारी रिसिप्ट है, उसकी डेट भी है। अच्छे से देख लीजिए, तसल्ली हो जाएगी। और इन्हें भी दिखा दो। यहाँ दिखाइए। मिस्टर भल्ला इनकी बहन तो जिंदा है, तो फिर ये आपके पीछे क्यों पड़ेंगे? दिस इज पॉसिबल। और आप ये क्या कहानियां क्या बना रहे हैं? पता नहीं इंस्पेक्टर ये आदमी क्या चाहता है। मैंने या मेरे किसी भी आदमी ने इनकी किसी भी बेटी को किडनैप नहीं किया। पता नहीं ये मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये इसकी एक ही बहन थी और ये मर चुकी है। हमारे घर पे आके इसे खुद कहा था कि इसकी बहन का मर्डर हो गया है। फोन ला, चार्ज पे है। मैं तो यहाँ बैठकर अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने शाम से किसी से फोन पे बात भी नहीं की। हाय, देखिए शमशाद। हाँ भाई। तुझे वो फाइल रेडी रखने के लिए बोला था। हाँ। रेडी है? हाँ भाई रेडी। इसे चार्ज पे लगा दे। ओके भाई। वो चखना लेकर आ, ड्रिंक बना दे। हाँ बना दो भाई। रमन भल्ला पुलिस के पास गया है तो ये तो करना ही पड़ेगा। देखिए हो गई तसल्ली। इस फोन में ना ही कोई कॉल लॉक्स है, ना ही कोई मैसेज है। आपकी बेटियों को किसी और ने किडनैप किया है। मेरी बेटियां? आप लोगों को तकलीफ देने के लिए माफी चाहूंगा। कोई बात नहीं,
वैसे साहिल शाह भी ना अजीब आदमी है, सीरियसली। उस दिन खुद हमारे घर पे आया था, कह रहा था कि उसकी बहन का मर्डर हुआ है और अब हम पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है, और कह रहा है कि उसकी बहन जिंदा है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। पता नहीं पागल आदमी है क्या वो? ये सब वो पुलिस से बचने के लिए कर रहा है, वरना वो पकड़ा जाता। अरे कि मनी इतना बड़ा झूठ, बहन जिंदा है, क्या साबित करना चाहते हैं? आफ्टर ऑल यू नो व्हाट, एक्चुअली आई एम नॉट शॉक्ड, है तो वो डॉन है ना, पुलिस वालों को घुमाना तो उनके बाएं हाथ का खेल है। लेकिन आई एम जस्ट अमेज्ड दैट कि वो किस हद तक गिर गया मुझसे बता लेने के लिए। मेरी बेटियों को मुझे सोच के भी, वो तो थैंक गॉड कि वो करण सही वक्त पे, या गॉड ब्लेस दैट चाइल्ड सीरियसली। और सुनो प्लीज, इशिता को कोई बताना मत, वरना सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस आ जाएगी वो। मेरे तो रोंगटे खड़े हुए जा रहे हैं ये सोच सोच कर कि इन बच्चियों पर क्या गुजरी होगी। मम्मा, माता रानी की कृपा है, दोनों ठीक हैं, सेफ हैं। बस अपना उल्टा सीधा सोचना बंद करो और बिल्कुल फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है, चल फोन रख। दोनों लड़कियां सही सलामत छूट गई। बोलना क्या बोल रहा था वो? भाई वो बोल रहा है कि हमें इस रमन भल्ला को तंग करना बंद कर देना चाहिए। साला उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और वो दो टके का इंस्पेक्टर हमें ये बताएगा कि हमें क्या करना है? भाई वो कह रहा था कि रमन भल्ला बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कमिश्नर से पहचान है इसकी, और वो साला कमिश्नर खुद ध्यान दे रहा है इस केस पे। जब तक ये मामला ठंडा नहीं हो जाता हमें कुछ दिन तक शांत रहना होगा। ठंडा? मेरी बहन की राख ठंडी हो गई, मैंने बहाई नहीं। मुझे अब तक ये पता नहीं चला कि मेरी बहन का कातिल कौन है। और ये साला बोल रहा है कि ठंडा हो जाऊं मैं। उससे जाके बोल शमशाद कि साहिल शाह किसी से नहीं डरता, चाहे वो कमिश्नर हो या मिनिस्टर। मुझे भल्ला फैमिली के साथ जो करना है वो मैं करके रहूंगा। भाई वैसे आप पता तो करोगे रूही कहाँ है? अरे वो बाला गया उसे लेने, वो करण को लेकर डॉक्टर के पास गई और कहा कि उसे घर छोड़ के वापस आएगी। अच्छा हुआ करण ने रूही को देख लिया और उसने हमें बता दिया, वरना पता नहीं बच्चों के साथ क्या होता है। और बाबा मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना कि भाई इंसान बदल जाता है, वो बात सच है। मुझे लगता है करण बदल रहा है एंड आई थिंक आई कैन ट्रस्ट हिम नाउ। नहीं पापा, इतनी आसानी से ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। बेटा भरोसा तो किस पे करें किस पे ना करें ये पता नहीं चलता ना। बात तो तुम्हें भी लागू होती। भाई वो सब छोड़ो ना, हमें कल ही आलिया को डॉक्टर के पास लेके जाना है और उसकी मेडिसिन चेंज करवानी है। हाँ सिमी, कल जब जाओगी लेट मी नो प्लीज। ठीक है मैं चलता हूँ। आई विश कि इस टाइम इशिता यहाँ होती तो ये सब कितने अच्छे से हैंडल कर लेती। मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मुझे अपनी बहन के कातिल का पता नहीं चल जाता। साहिल शाह हूं मैं, बच्चा बच्चा मुझसे डरता है। इस रमन भल्ला की तौकात ही क्या है? मेरी बहन को बड़ी बेरहमी से मारा है इन लोगों ने, इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं मैं। इस बार इन्होंने अपनी बेटियों को बचा लिया, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। शमशाद जी भाई, वो सोशल मीडिया वाली फोटो दिखा जहाँ सीमा और अबीर उस भल्ला फैमिली के मेंबर के साथ है। ये भाई हमारा अगला टारगेट ये है जो इस फोटो में है। जी भाई, अब मैं देखता हूँ कि रमन भल्ला अपने परिवार के सदस्य को कैसे बचाता है। शमशाद सीमा और अबीर को फोन लगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। बाईस से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के दो नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आप सिर्फ अभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत ब्याह के लिए पार्ट साहब का वक्त हो गया है। साहिबा तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए दो नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे स्टार प्लस पर।